हेलो एवरीवन, आई एम गगन लड्डा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड वायरल हो रहा है, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करो, और उसका रीज़न बताया जाता है कि आमिर खान देशद्रोही है, उन्होंने कई बार कई ऐसे काम किए हैं, कई कुछ ऐसे बयान दिए हैं, कुछ फिल्में ऐसे की है जो कि हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है, तो इसलिए उनकी फिल्मों का हमको बॉयकॉट करना चाहिए। और पिछले दिनों ये ट्विटर में जब ट्रेंड हुआ, ट्रेंड करने लगा, तो एक जो खास वर्ग है वो बहुत खुश हुआ कि भाई हाँ, बढ़िया, हमने कर दिखाया, सारे हिंदू अब जाग गए हैं, अब इन लोगों को हम इनकी औकात दिखा देंगे, ऐसा वैसा। वो अपने वो वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्यों? क्योंकि ट्विटर में वो चीज़ ट्रेंड करने लगती थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड वाला वर्ग भी एक्टिव हो गया कि भाई हाँ, हमको ये बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट वाले ये लोग भक्त लोग हैं, इनकी अगर हम एक बार हमने इसकी इनको कर दिया तो फिर हम अगली बार से हर बार इनके हौसले बढ़ जाएंगे, तो हम सब इस मूवी को हम देखने जाएंगे, कोई इसको बॉयकॉट नहीं करेगा। बट दोस्तों, एक्चुअल जो कहानी रहती है इन सब चीज़ों के पीछे, और ये मैं सिर्फ इसकी इस कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की कई कंट्रोवर्सीज होती है जो हमको सामने से दिखती कुछ और है, बट एक्चुअल में होती कुछ और है। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि एक्चुअल इसके पीछे की चीज़ क्या है। देखो, मेरा टेक बहुत सिंपल है कि अगर आपको कोई मूवी, अगर आपको मूवी जाना पसंद है और आपको लगता है आप आमिर खान फैन हैं, या अच्छी मूवीज़ आपको अच्छी लगती है और इसकी रेटिंग अच्छी आती है, तो डेफिनेटली आप देखें, और नहीं अच्छा लगता है आपको तो मत देखिए। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि कोई मूवी देखना ही है, या कोई मूवी देखने से या ना देखने से कोई देशभक्त हो जाएगा या फिर देशद्रोह हो जाएगा। बट इसके पीछे का जो खेल है दोस्तों, जो दो दिन से जो बात चल रही है, और बहुत लॉजिकल मुझे वो चीज़ लग रही है, कंगना रनौत का ट्वीट भी आया था दो दिन पहले। कंगना रनौत को यूजुअली हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट एक चीज़ तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर की बंदी है, तो उसको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम पूरी तरह से उस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो एक उसका ट्वीट भी आया था कि भाई आप बॉयकॉट कर रहे हो वो ठीक है, बट ये जो चीज़ है, ये जो क्यूरेट की गई है, ये कॉन्ट्रोवर्सी जो बनाई गई है, वो आमिर खान के ग्रुप के द्वारा ही बनाई गई है। और ये दोस्तों, ये चीज़ बहुत लॉजिकल लग रही है। अब धीरे धीरे उस तरह की कई सारी चीज़ें आ रही है। अभी कल या परसों अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने भी इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यार, हमारी भी फिल्म आ रही दोबारा, आप लोग उसको भी बॉयकॉट करो ताकि वो भी ट्रेंडिंग में आ जाए, है ना। तो असल में दोस्तों, ये बात यही, और इस चीज़ को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। मैं नहीं कहता कि हो सकता है ये मैं नहीं कहता कि 100% सही हो, बट इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि दिस ऑल इज़ द पार्ट ऑफ द बिगर कॉन्स्पिरेसी। और हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनकी मार्केटिंग टीम ने ही ये ट्रेंड चलाया हो कि बॉयकॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। और देखो, ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये बहुत लॉजिकल एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि जो लॉजिक्स दिए जा रहे हैं, एक तो 2015 की आमिर खान के बयान को चलाया जा रहा है कि 2015 में इसने कहा था कि मैं इस देश को, मेरी वाइफ कहती है कि मैं इस देश को छोड़ के चले जाऊँगा। हालांकि आमिर खान ने उसका देश नहीं छोड़ा, उसने अपनी वाइफ छोड़ दी, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसके अलावा एक कहा जाता है कि भाई पीके मूवी में उसने बहुत हिंदुओं का अपमान किया, तो हमको इसको इसकी मूवीज़ को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन क्या उसके बाद कोई मूवीज़ नहीं आई आमिर खान की? 2016 में आई थिंक 2015 का यह बयान है, और इस बयान का की कंट्रोवर्सी का भरपूर फ़ायदा आमिर खान को मिला 2016 में, जब उसकी दंगल आई। उस समय उसने इतना बिजनेस किया कि आज तक किसी भी हिंदी फिल्म ने इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं किया, आज भी उसके नाम पर रिकॉर्ड है, इतनी ज़्यादा चल गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रोवर्सी। नो डाउट मूवीज भी वो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी कई सारी मूवीज़ आई है, कई सारी तो नहीं बोलनी चाहिए लेकिन कुछ मूवीज़ और आई है। सीक्रेट सुपरस्टार उसके बाद आई थी, उसके बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की आई थी, तो इन सब में ये गैंग कहाँ था कि भाई बॉयकॉट करो, ये ट्रेंड क्यों नहीं चलाए गए? आज आपको 7 साल बाद इसकी याद आ रही कि भाई आमिर खान ने उस समय ये बयान दिया था और 2013 में एक मूवी बनाई थी, तो इसलिए हम आज बॉयकॉट करें। तो ये नो डाउट दोस्तों, ये सारी चीज़ फैब्रिकेटेड होती है और होती ही है। इनफैक्ट नो डाउट सिर्फ ये वाले मुद्दे की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं जो अननेसेसरली फैब्रिकेट करके हमको, हमारे ऊपर थोपी जाती है, हमारे ब्रेन को वाइट वॉश किया जाता है ताकि हम उस हिसाब से एक्ट कर सकें। और अल्टीमेटली जो ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये जो अल्टीमेटली लाल सिंह चड्ढा का जो सी है, अल्टीमेटली हम सबका सी ही कट रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में कोई अगर लूज़ कर रहा है तो वो हम आम जनता ही है, जो हम अपना काम धाम छोड़ के, अपना फोकस छोड़ के, जो अपने लक्ष्य को छोड़ के हम इन सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। मैं सिर्फ इस कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा आपको, है ना। इस तरह की एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे कि नेपोटिज्म हो गया, 3-4 महीने तक डेली उसके सुसाइड की खबरें दिखाती थी, इतनी नेगेटिविटी से पूरा न्यूज़ चैनल और पूरा हमारे देश का माहौल हो गया था। ओके, और अल्टीमेटली जब बिहार का चुनाव हुआ तो ये सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। भाई अचानक क्या हो गया? अचानक उसको क्या इंसाफ मिल गया या नेपोटिज्म रातों रात बंद हो गया? ये क्या कर रहे हैं हम?
ओके, तो ये एक चीज़ दोस्तों हमको हमेशा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि भाई इसके पीछे का गेम क्या है एंड वेदर वी शुड इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट, और हमको क्या मिल रहा है, हम इस फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना काम धंधा छोड़ रहे हैं, अपना फोकस छोड़ रहे हैं, हमारा जो फोकस आज अपना हमारे लक्ष्य की तरफ रहना चाहिए, हम अपना फोकस छोड़ के इन फालतू की चीज़ों में आज पूरा ध्यान दे रहे हैं कि भाई इसको बॉयकॉट करो, उसको बॉयकॉट करो, एक पूरा गैंग एक्टिव हो गया कि भाई पूरे के पूरे बॉलीवुड की फिल्मों को बॉयकॉट कर दो। भाई ठीक है, अगर आप बॉयकॉट कर भी रहे हैं, कर भी लोगे पूरी तरह से, तो आपको हासिल क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली बॉयकॉट बॉलीवुड कोई दो चार लोगों की चीज़ नहीं है, हज़ारों लोगों की इंडस्ट्री, हज़ारों लोगों का रोजगार है, बहुत बड़ा अपना हमारे देश का इकोनॉमी उस पर निर्भर रहता है। तो आप क्या कर रहे हो, देशद्रोही कौन है, एक्चुअल देशद्रोही कौन है? आप अब देश की इकोनॉमी के साथ खेल रहे हो? क्यों ये सारी चीज़, क्यों इस तरह के ट्रेंड्स हम चलाते हैं, और इतने सालों बाद आज़ादी की हम लोग किस किस दिशा में जा रहे हैं कि हमको इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं? ओके, सो दोस्तों ये मैं फिर से कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि फिल्में अच्छी हैं, मैं पर्सनली बताऊँ, मैं पहले बहुत फिल्में हर वीक मैं अपने मेरे एक कज़न भैया हैं, मैं उनके साथ जाके हर वीक हर संडे को मैं एक मूवी देखता था, बट आजकल वो चीज़ नहीं रही कोविड के बाद से, अब मैं OTT पे ही देखता हूँ ज़्यादातर, मैं मूवीज़ थिएटर में जाना पसंद नहीं करता, और वो भी वही मूवीज़ देखता हूँ जिसमें IMDB रेटिंग मैं पहले देख लेता हूँ, अगर अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं तो ही मैं उसके पीछे अपना टाइम लगाता हूँ, अदरवाइज मैं टाइम नहीं लगाता हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगती है चीज़ें तो आप करिए। आमिर खान की मूवीज़ नो डाउट बहुत अच्छी रहती है, कंटेंट वाइज बहुत अच्छी रहती है ये फिल्म, तो इनफैक्ट आप बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि ये अब तक की सबसे एवरेज मूवी आमिर खान की साबित हो सकती है, और जब जिस दिन ट्रेलर रिलीज़ हुआ था उसी दिन लोगों ने कहा कि भाई आमिर खान से ये एक्सपेक्टेशन हमको बिल्कुल नहीं थी, और इनफैक्ट ये ऑलरेडी बॉयकॉट हो गई थी, अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती तो ये ऑलरेडी बॉयकॉटेड मूवी थी, ये लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी नहीं करते ऑलरेडी, क्योंकि ये रीमेक है और 30 साल पुरानी मूवी फॉरेस्ट ग्रम्स का रीमेक आमिर खान ने लेके आया है। ठीक है, अब नो डाउट, अब कैसी है क्या है वो तो हम देखने के बाद ही उस चीज़ को जज कर सकते हैं, पहले से नहीं जज कर सकते, लेकिन ट्रेलर वाइज आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिव्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो बॉयकॉट ऑलरेडी थी। इस मूवी को इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है इस कंट्रोवर्सी के चलते, और यही कारण है कि आप देख पा रहे हैं कि एडवांस बुकिंग आप देखेंगे कि आपने कितनी ज़्यादा उसकी एडवांस बुकिंग होगी, एंड एक्सपेक्टेड है कि मोर देन 550 करोड़ रुपीज़ से ऊपर का बिजनेस ऑलरेडी कर लेगी मूवी। तो ये किस कारण हुआ है? ये आपकी और हमारे इसी सब चीज़ों के कारण हुआ है कि भाई हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। ओके, और ये बड़े लोग जो हैं वो कुल मिला के हमारा फ़ायदा उठाते हैं, है ना? और अल्टीमेटली मैं फिर से कहूँगा, ये जो सी है ये और किसी का नहीं, ये हम लोगों का कटता है, ये ना बॉयकॉट जिसका हो रहा है उसका कटता है, आमिर खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर चले मूवी अच्छी बात है, नहीं चले तो भी अच्छी बात है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लोग जो हमारा काम धाम छोड़ के इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, अल्टीमेटली वी आर द बिगेस्ट लूजर।